मैं आप सभी के साथ रहूंगा और गाइडेंस करूंगा जैसे आप सभी कंप्लीट गाइडेंस कर रहा हूं इसी तरीके से तो आप सभी को बता दूं यहां पे तीन इंफॉर्मेशन दिया गया है आप सभी देखो एक एक करके बता रहा हूं सबसे पहले लिखा गया है डियर कैंडिडेट इफ यू हैव इनकाउंटर्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डेटा इशू ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्लीज लॉग इन यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आधार लॉग इन इज डिसेबल्ड री वेरिफिकेशन योर आधार एंड करेक्ट एनी एरर

एप्लीकेशन को एक बार लॉगिन करो आप सभी लॉगिन एप्लीकेशन नंबर को और पासवर्ड का यूज करके आप सभी को करना है ठीक है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप सभी यूज करके लॉगिन लॉगिन करो अगर आपने किया और जो डिटेल है वो आपका डिटेल है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है आप निश्चिंत रहो आपका एप्लीकेशन एकदम सही है बट अगर आप लॉगिन एप्लीकेशन नंबर से और पासवर्ड से करते हो और किसी प्रकार का एरर पाया गया एरर का मतलब यह हुआ कि अगर किसी दूसरे का आप सभी का नाम दिखा रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है तो आप सभी को क्या करना है आप सभी को लॉग इन करने के बाद आधार कार्ड से एक बार फिर से आप सभी को रीवेरीफाई कर देना है मतलब आधार कार्ड नंबर डालो ओटीपी जाएगा इसको रिवेरीफाई कर दो इतना करना है आपको करने के बाद एरर खत्म हो जाएगा सेकेंड यहां पे बताया गया है कि अगर किसी भी ए स्टूडेंट का किसी प्रकार का मिस्टेक्स है किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है तो आप सभी के लिए कनेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा बट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद होगा मतलब नीट का जब रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है उसके बाद कनेक्शन विंडो ओपन कर ये बता रहा है थर्ड में बताया गया है कि आप सभी अपना आधार कार्ड ही यूज करो मे भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट फैमिली में किसी मेंबर का यूज कर रहे होंगे ये रहा आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग करो आधार कार्ड लॉग को डिसेबल्ड कर दिया गया है इससे अब लॉग नहीं होगा लॉग करो अगर इंफॉर्मेशन सबका सही है तब तो कोई टेंशन नहीं है बट गलत शो कर रहा है तो एक बार री वेरिफिकेशन आधार कार्ड नंबर से कर दो अब बहुत सारे पूछेंगे कि भैया आधार कार्ड से मैंने तो ये लॉग ही नहीं किया है मतलब आधार कार्ड नहीं दिया मैंने पैन कार्ड दिया है या डिजी लॉकर तो देखो मुझे लगता है जहां तक ये इंफॉर्मेशन है और जहां तक मेरे पास क्वेरी बच्चों का आया है वो आधार कार्ड को लेकर ही आया है कि आधार कार्ड के रिलेटेड ही इशू है तो हो सकता है कि जिन जिन्होंने पैन कार्ड के यूज किया हो या जिन्होंने डिजी लॉकर के यूज किया हो उनका मुझे नहीं लगता कि इशू होगा अगर होता है आप सभी कमेंट करके बताओ मैं आपका जो भी प्रॉब्लम्स है मैं रेज करूंगा और उसका सोल्यूशन हंड्रेड परसेंट होगा तो ये जो मैंने आपको बताया इसका आप सभी को समाधान अब मिल गया है और ये कहां मिलेगा मुझे पता है बहुत सारे बच्चे खोजेंगे जब आप सभी एनटीए का मैं बताया था हूं दो मिनट जब आप सभी लॉग करोगे ठीक है जैसे एनटीए का ये जो पेज है ना देखो एनटीए की वेबसाइट पे आओगे ना तो यहां देखो क्लिक हि रेशन लॉग इन यहां पर ठीक है यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही प्रॉपर पहले आपको ये इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा और हां आप सब भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन एनोनिमस क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं अब इतना ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ऑल वेरी बेस्ट